गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने अगले स्पॉट पे। ये वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क है। इसका नाम पहले हार्डिंग पार्क था और रीनेम होकर ये वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क पड़ा, बट कुछ लोग अभी भी इसे हार्डिंग पार्क के नाम से ही जानते हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये वीर चंद पटेल रोड एरिया में पड़ता है ये। सो गाइस चलते हैं और देखते हैं इस पार्क की सुंदरता को और इस पार्क में क्या खासियत है और इसकी वाइब्स कैसी है। Forget about the monsters underneath your bed. Sleep a little longer is what you used to say to me. Forget about the darkness, it's all just in your head. Sleep a little longer is what you used to say. Tell me why'd you have to leave right now. Think I'm losing my mind about now. Yeah, all I'm seeing is stars, cause I'm so lost without you. Tell me when can we speak again, cause I don't think I can wait till then. Yeah, I look up to the stars, cause I'm so lost without you. सबसे पहले आते के साथ ये एरोप्लेन दिखी, आप देख सकते हो इसकी विंग्स, और ये बहुत ही पुराने जमाने का लग रहा है मुझे। आप चाहो तो इससे फोटोज वगैरह भी क्लिक करवा सकते हो। आप देख सकते हो बच्चे लोग सेल्फी ले रहे हैं। गाइज यहाँ पे मुझे एक फाउंटेन दिखी जो कि लग रहा है काफी दिन से बंद है ये, अगर ये चलती तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती देखने में। यहाँ पे एक और फाउंटेन है जहाँ आप फोटो शूट करवा सकते हो और अपने फैमिली फ्रेंड्स इवन अपने पार्टनर के साथ गुड टाइम स्पेंड कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है, बच्चे यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हो फुल मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। एंड अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे अपने फैमिली के साथ अपने बच्चों को लेकर, मैं तो सजेशन दूंगी कि आओ ही आओ यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही प्यारा लेक बनाया हुआ है जहाँ पे आप आकर घंटों बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने पार्टनर्स के साथ। इस पानी में बहुत ही प्यारा स्वम दिख रहा है। ये है इस पार्क की खासियत जिसकी वजह से ये पार्क जाना जाता है। स्वतंत्रता के सेनानी शहीद वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा, इस प्रतिमा के चारों तरफ वॉल में इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी गई है। वीर कुंवर सिंह के दिल में देशभक्ति की भावना कुट कुट कर भरी हुई थी और उन्होंने बहुत सारे स्थान को मुक्त किया, जैसे
दानापुर, आरा, जगदीशपुर और भी कई स्थान को इन्होंने अंग्रेजों से मुक्त किया। स्वतंत्रता के सेनानी शहीद वीर कुंवर सिंह अपनी आयु को भूल कर देशभक्ति में लगे हुए थे। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 में अपनी आखिरी युद्ध लड़ी और जगदीशपुर को अंग्रेजों से फिर से मुक्त कराया। उसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 में वीर कुंवर सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। कहते हैं एक उम्र होती है दुश्मन से लड़ भिड़ जाने की, कहते हैं एक उम्र होती है जीवन में कुछ कर जाने की, लेकिन है ये सब लफ्जबाजी, कोई उम्र नहीं होती कुछ करने की। गर्वात वतन की आए तो हर रुत होती है मरने की। सो गाइज, इस पार्ट का इतना ही था और मेरा रिव्यू ये है कि आप यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हो और इवन अपने पार्टनर्स के साथ भी आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से बहुत चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। जैसा कि मैंने बताया, लेक बनाया गया है यहाँ पे एंड चिल्ड्रंस के लिए अलग से पार्क बनाया गया है यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी। सो गाइज, मैं तो आपको सजेशन दूंगी कि आप यहाँ पे आओ और इन्जॉय करके जाओ फुल मस्ती के साथ। सो गाइज, ये था पटना पार्क सीरीज का सेकेंड ब्लॉग। आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड एक कॉमेंट तो जरूर करना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाले बटन को टच कर दो और बेल आइकन को भी जरूर हिट कर देना, ताकि जब जब मैं वीडियो डाल सकूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। अगर आप मुझे चाहते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो ये रही मेरी आईडी, आप यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। सो गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।